अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमज़ा निसार बोतला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और अभी इधर 12:30 बजे का टाइम है। मैं इस टाइम ब्रैडफोर्ड यूके में हूँ और आज जुमे का दिन है, तो अभी मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने। बल्कि अभी मैंने शावर लेना है और फिर शलवार कमीज़ पहन के जुमा पढ़ने जाना है। जब से मैं यूके आया हूँ तब से मुझे कोई 10 दिन हो गए हैं शलवार कमीज़ नहीं पहनी, तो आज मैंने कहा फ्री हूँ और शलवार कमीज़ पहन के जुमा पढ़ते हैं। तो मैं ज़रा फिर शावर ले लूँ, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। इधर साथ ही एक मस्जिद है और मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 5 से 10 मिनट की वॉक है, और इंशाल्लाह जुमा पढ़ने जाना है। तो मैं फिर आपसे बात करता हूँ। मैंने कहा अपना बिस्तरा सेट करके रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो गुड हो गया, ओके यार बाहर आए हैं ना, सारे काम खुद करने हैं। सो मैं चला शावर लेने। अच्छा जी, तो मैंने शावर ले लिया हुआ है, अब मैं जैकेट वगैरह पहनता हूँ और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। जी तो यहाँ पर ये वाली जैकेट चलती है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, अंदर तो हीटिंग सिस्टम है फुल सेंट्रलाइज्ड, तो पता नहीं चलता, तो इसीलिए। और मुझे जुमा के बाद मेरी अपॉइंटमेंट है 2 बजे की बैंक में, तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साथ कैरी करने थे, वरना मुझे जुमा पढ़ के फिर वापस मुझे अपने रूम में आना पड़ना था और फिर दोबारा डॉक्यूमेंट्स उठा के। मैंने सोचा साथ साथ दोनों काम कर लेते हैं। जुमे के बाद मैं उधर बैंक चला जाऊँगा। ये मेरा यूनिवर्सिटी कार्ड है और इसके साथ मेरी रूम की कीज़ हैं। ये यहाँ पे ये सिस्टम होता है, इसी से रूम अनलॉक होता है और इसी से लॉक होता है, तो ये साथ रखना ज़रूरी है। अगर आप यूके आए तो इसे कीज़ को अपने अंदर ना भूलिएगा कभी, नहीं तो £20 फाइन है। ऑल डन। जैसे रूम लॉक होता है, ये रूम लॉक हो गया है। ये मेरा अपार्टमेंट है, इसमें 5 रूम्स हैं। ये हमारा किचन है, मैं आपको फिर कभी डिटेल में इसका अपार्टमेंट का व्यू दूंगा, क्योंकि अभी मैं जुमा के लिए लेट हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। गो डाउन फ्रॉम द लिफ्ट, क्योंकि मेरा 5वां फ्लोर है और मैं अपने आप को थकाना नहीं चाहता। ओके जी, आई एम गोइंग आउटसाइड, बाय बाय।
अभी टाइम 5-10 मिनट ही 10 मिनट ही रह गए हैं, अल्लाह करे मैं पहुंच जाऊं सही उधर। ये सामने मेरी सारी यूनिवर्सिटी है, ये वाली। मैं कभी डिटेल में इसके बारे में भी घुमाऊंगा, इसके बहुत डिपार्टमेंट्स हैं तो वो ऐसे ऐसे ही आपको। और ये मेरा हॉस्टल है पीछे, और मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी मुझे जुमा के लिए लेट हो रहा है, मुझे तकरीबन 5 मिनट लग जाने हैं। तो मैं आपको घुमाता हूँ सारा। ये सारा मेरा यूनिवर्सिटी का एरिया है जैसे जैसे मैं गुजर रहा हूँ। ये दोनों तरफ मेरी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स हैं। असल में इस इधर सारे हिली एरियाज हैं तो सांस चढ़ जाता है। जैसे अपने नॉर्दर्न एरियाज में ऊपर नीचे जाते हैं, ये देखें ये सारे स्टीप पाथ्स हैं यहाँ पे, तो इधर बहुत चलना पड़ता है क्योंकि मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है, ना ही मेरा लाइसेंस इंटरनेशनल में लेके आया हूँ। तो गलतियाँ की हैं, भुगतना तो पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा इधर। तो कोई बात नहीं, अच्छा स्टेमिना बन जाएगा ना, जैसे पहाड़ी इलाके के लोगों का होता है। बस मेरी मस्जिद करीब ही आ गई है, इंशाल्लाह विद इन अ मिनट मैं उधर मस्जिद में होऊंगा। इधर ब्रैडफोर्ड में काफ़ी मस्जिदें हैं, बड़ी मस्जिद तो दूर है काफ़ी, वो मैं आपको दिखाता, वो फिर किसी दिन दिखाऊंगा। अभी ये मतलब इस तरह की बिल्डिंग्स में बनी हुई हैं मस्जिद। तो माशाल्लाह इधर पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने मतलब कह लें कि हर स्ट्रीट में यहाँ पे मॉस्क है एक नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अल्लाह करे मुझे जगह मिल जाए, मैं लेट हो गया बड़ा, नॉट इन दिस वे। ये देखें जी, ये लगाया हुआ है मुसलमान भाइयों ने शॉल्स लगाए हुए हैं। आपको मस्जिद का व्यू दिखाता हूँ अंदर से, अंदर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, अच्छा नहीं लगता ना मस्जिद में।
سلام وطمأنينة من أمرهم ثم تنظر إلى إخواننا هناك إلى أطفال من أطفالنا अभी हम जुमा की नमाज़ से फ्री हुए हैं तो ये माशाल्लाह सारी मुस्लिम कम्युनिटी है इधर तो काफ़ी मुस्लिम है ब्रैडफोर्ड में स्टॉल लगे हुए हैं डोनेशन बॉक्स वगैरह और इस तरह की तो ये सारी मुस्लिम कम्युनिटी है तो माशाल्लाह इधर फील होता है कि पाकिस्तान में ही है। अस्सलाम वालेकुम जी जी पाकिस्तान से क्या हाल चाल है आपके? मैं मुल्तान से हूँ जी पहली दफ़ा मेरा पहला हफ्ता ही है पहला हफ्ता है हाँ जी समझे आप पाकिस्तान में आ गए। हाँ मुझे ये लग रहा था मैं अभी बता रहा था कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ भाई मुझे भी नहीं पता आप मैं इस्लामाबाद से हूँ साल से रह रहा हूँ 23 साल से माशाल्लाह मैं अभी यही ब्लॉग में बता रहा था कि इधर फील हो रहा है मुझे आके ना कि मैं पाकिस्तान में हूँ। हाँ बिल्कुल कोई रेस्टोरेंट में आपको पूछने की जरूरत नहीं है हलाल है कि नहीं है 95% रेस्टोरेंट हलाल है जी। मैंने एक रेस्टोरेंट में मैं काम भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा सी में आपको ये फील नहीं होगा आपने सही सिटी चूज़ की है। हाँ जी बस मेरे नेफ्यू आए हैं पाकिस्तान से अभी उन्होंने ब्रिस्टल चूज़ किया है। अच्छा वो कार्डिफ के नज़दीक है तो क्वाइट पार्क मैंने कहा उनको कि वाई नॉट ब्रांड फॉर दिल्ली कहते हैं वो मैंने रेटिंग देखी यूनिवर्सिटी की तो वो बेटर थी तो मुझे पता था कि इससे पहले ना मिनी पाकिस्तान कहते हैं ब्रैडफोर्ड को सारे मुसलमान है मैं आपको भी दिखा रहा था कि सारे मुसलमान बहुत कम्युनिटी है इधर मिनी पाकिस्तान कहते हैं इसे तो नाइस टू मीट यू बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर हमजा अच्छा नाम है हाँ जी तो अभी जुमा पढ़ लिया हुआ है इधर माशाल्लाह काफ़ी पाकिस्तानी नज़र आए हैं मुसलमान सॉरी तो पाकिस्तानी बहुत हैं। अभी वो मुझे एक भाई मिले थे तो उनसे बड़ी अच्छी डिस्कस हुई तो वो कह रहे थे कि इधर आप मतलब फील नहीं करोगे कि आप किसी और कंट्री में हो तो यही फील कर रहा हूँ मैं इधर। अच्छा जी तो अब मैंने जुमा पढ़ लिया है अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाने इधर काफ़ी हलाल रेस्टोरेंट्स हैं तो मैंने खाना है अभी पराठा पराठे का दिल कर रहा है तो इधर एक अलवी है अलवी उधर से हम अक्सर खाते होते हैं पराठे तो उसके बाद मेरी 2 बजे की अपॉइंटमेंट है मैं बस लेट तो हो रहा हूँ तो बल्कि फर्स्ट आई हैव टू गो टू बैंक मुझे पहले बैंक जाना चाहिए तो बैंक के बाद वो वाला काम ज़रूरी है ना क्या कर सकते हैं जी इधर इधर हर चीज़ अपॉइंटमेंट बेस होती है कि अगर आपने कुछ भी करना है जी पहले अपॉइंटमेंट लो और अपॉइंटमेंट ज़रूरी है मुझे 2 बजे की अपॉइंटमेंट मिली हुई है बैंक में अगर मैं 2 बजे से लेट हो जाता हूँ तो उन्होंने कहना है सॉरी यू आर लेट तो अपने तो ये होता था ना कि यार 2 से 2.5 हो गए हैं चलो खैर है यार आ जा तेरा काम कर देते हैं।
तो मैं सिटी सेंटर पहुँच चुका हुआ हूँ। इधर मतलब सिटी सेंटर डाउनटाउन एरिया वो होते हैं जो इनका हब होते हैं, जैसे हमारे उधर कह लेंगे बाज़ार होते हैं, और उधर सारे ब्रांड्स वगैरह और बैंक्स वगैरह, बड़े होटल्स, मतलब ज़्यादातर ये सिटी सेंटर में होते हैं। तो इधर बहुत रश होता है क्योंकि हर चीज़ इधर है ना, तो लोग इधर बहुत आते हैं। अभी तो विंटर चल रहा है ना, इसीलिए इतना रश आपको नज़र नहीं आ रहा। तो समर में इधर कहते हैं कि बहुत रश होता है। अभी बस मैं अपने बैंक के करीब पहुंचने वाला हूं, और दो बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है। तो उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद फिर इंशाल्लाह कुछ खाना है क्योंकि भूख लग रही है बड़ी। आज मेरा यूनिवर्सिटी से ऑफ था, और उसके बाद अच्छा इधर हमेशा ये चीज़ करनी है कि इधर रोड क्रॉस करने से पहले ये टेस्ट कर देना है, और फिर ये जब ग्रीन होगा फिर आपने रोड क्रॉस करना। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं बगैर उसके। पाकिस्तानी है ना, क्या कर सकते हैं, रूल्स तो हमने तोड़ने, चाहे हम इंग्लैंड ही क्यों ना आ जाएं। कोई नहीं यार, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। ये यार अपनी अपनी याशी में, अपनी धुन में मगन रहते हैं। गुरु की तरह थोड़ी है अपने काम से काम रखना, ज़िंदगी में थोड़ा इन्जॉय भी होना चाहिए ना, चिल होना चाहिए बंदे को। अब सारी बंदा रूल फॉलो करने लग जाए तो फिर क्या फ़ायदा। इधर मोस्टली ये डबल डेकर बसेज होती हैं, मतलब ज़्यादातर यही वाली होती हैं, और अभी तक मैंने बस में सफ़र नहीं किया है क्योंकि मेरा बस पास नहीं बना है और ट्रेन पास भी नहीं बना है। तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी है अभी तक। देखेंगे, अभी 8-10 दिन ही हुए आए हुए, आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ बनवा लेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं अपने बैंक पहुंच गया हूं। विद इन 15-20 मिनट्स इंशाल्लाह मेरा काम हो जाएगा। मैंने डॉक्यूमेंट सारे कल सबमिट करवा दिए थे, आज बस थोड़ी सी वेरिफिकेशन इन्होंने करनी थी, तो आज ही मुझे होपफुली मेरा एटीएम कार्ड दे देंगे। बैंक अकाउंट आज ही खुल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये वाला मेरा ये बैंक आ गया हूँ मैं, मेट्रो बैंक। हेलो, हाउ आर यू? या आई एम लॉगिंग, हाउ आर यू? इज इट अलाउड? नॉट अलाउड, ओके सॉरी, दे आर सेइंग दैट इट इज नॉट अलाउड। बाहर जाके मैं करता हूँ। बैंक से फ्री हो चुका हूँ मैं, तो अंदर वो अलाउ नहीं था, वो कह रहे थे कि इधर भी लॉगिंग करना अलाउ नहीं है, सॉरी। एक तो ये बड़े मसले हैं, तो उनकी कोई प्राइवेसी होती होगी ना। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने, तो बहुत भूख लगी है, फिर उसके बाद देखता हूँ क्या स्केड्यूल है। अभी मैं आपको उधर अलवी रेस्टोरेंट में पहुँच के बताता हूँ, फिर सी यू देयर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो अभी मैं बैंक गया था, उधर सिटी पार्क जो आपको मैंने सिटी सेंटर सारा दिखाया है, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो अभी मैं नाश्ता करने आया था इधर। तो 2-3 दिन पहले मुझे पाकिस्तानी भाई मिले थे, और वो भी इधर नाश्ता करने आए हैं, तो हमने सोचा फिर इकट्ठे कर लेते हैं नाश्ता। ये देखें जी, ये भाई हैं, रांझा साहब हैं, ये भाई नाम बता दें यार, नवाज रांझा भाई, सादुल्लाह भाई, आकिब भाई, और ये हमारा लॉरी नाश्ता है। ये देखें लॉरी चने, और ये रोटियाँ, ये क्या है, हलीम यार, सब कुछ मिलता है इधर भी। और ये सारा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, मतलब अलवीज के नाम से।
तो ये देखें जी बादशाही मस्जिद और सारा कुछ इधर मिलता है, बादशाही मस्जिद भी है, मीनार पाकिस्तान भी है, पाकिस्तानी बंदे भी हैं। ये आज का व्लॉग कमेंट करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे रब्ता होगा। तो हम ज़रा फिर इधर नाश्ता कर लें थोड़ा सा। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।